गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम मधुबन हिंदी पाठ 4 सारी दुनिया मेरी है पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता के रचयिता ओम प्रकाश कश्यप जी हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं होती हैं और इन्हीं दिशाओं में संपूर्ण दुनिया बसी है। तो आज हम एक बच्चे की दुनिया के बारे में इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। तो एक बच्चा जो है वो एक दुविधा में फंसा हुआ है कि मेरे आसपास की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है और मैं कहाँ जाऊँ, किस किस के घर जाऊँ, क्योंकि ये दुनिया जो है जो मेरे आसपास है ये बहुत ही बड़ी है। तो हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। सुनो सुनो एक बात सुनाऊँ, कैसी अजब पहेली है, जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊँ सारी दुनिया मेरी है। सुनो सुनो एक बात सुनाओ, मतलब कि बच्चा बोल रहा है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। कैसी अजब पहेली है, कि ये कैसी पहेली है, जिधर जिधर मैं नज़र घुमाऊँ, जहाँ जहाँ भी मैं नज़र घुमाता हूँ सारी दुनिया मेरी है। वो सारी दुनिया मेरी है क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, उनसे मेरा रिश्ता है। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी, मतलब कि मेरे जो दादाजी हैं वो पूर्व दिशा में रहते हैं और पश्चिम में मेरे नाना जी रहते हैं। दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टी में तुम घर आना जी। तो दोनों ही मुझे बुलाते हैं जब गर्मी की छुट्टियां लगती हैं, तो दादाजी भी कहते हैं कि तुम इस बार मेरे घर आना और नाना जी भी कहते हैं कि तुम इस बार मेरे घर छुट्टी मनाना। दुविधा में फंसता हुआ बच्चा बोलता है, किस किस के घर छुट्टी काटूं, मतलब कि मैं किस किस के घर जाऊँ, मेरी जान अकेली है, मैं तो एक अकेली जान हूँ। दक्षिण में बुआ जी रहती, दक्षिण दिशा में मेरी बुआ रहती हैं। जिज्जी रहती उत्तर में और मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो उत्तर दिशा में रहती हैं। सबकी सुंदर सुंदर फ़ोटो लगी हुई मेरे घर में, मतलब कि सबकी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ मेरे घर में लगी हुई है। हम लगाते हैं ना हमारे दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, जिनकी भी फ़ोटोज़ हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं हम उनकी फ़ोटो हमारे घर में रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पोयम कंप्लीट करेंगे। सो रीड दिस पोयम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।